आज तो चांद हमारे घर के नीचे से ऊपर आ रहा है। छह बहन भाई है, उस जमाने में इंटरनेट नहीं होता था। स्टार के वजह बाकी कतरीना के 17 जुलाई 18 तेरे और अपनी ब्यूटी का फन देखो आस्था फुल लाइन इधर उधर बुलेट प्रूफ बेगैरत, बुलेट प्रूफ बेगैरत बन जाए और कमेंट पढ़ना ही छोड़ दे। हाल मक्खिया भी बैठ रही है सबके ऊपर। मीठा बहुत हूँ ना मैं, वो वाला नहीं भाई, वो वाला नहीं। अम्मी ने ज्यादा पीटा, अपू की पिटाई ना वो 3 साल चलती थी। थोड़ा कोट वोट पहन के आया मैं, निदा से डाई लगता माइयों करा देती है। Oh my God! Mr. Danish! चांद हमारे घर के नीचे से ऊपर आ रहा है। और सीधा चांद ही आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे खली वली कराए यार इनको, आप पता है क्या? क्या करा? मैं खली वली मैंने शुरू की थी 2012 से और अपने मजाकन शुरू की थी कुछ दोस्तों ने और हमें पता नहीं था मजाक मजाक में बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। ये सब कुछ छोड़ झाड़ के यही करना पड़ेगा, बट इट्स अ फन जर्नी, मतलब बड़ा मजा आया। अच्छा हम लोग भी न्यू कमर है इसमें यूट्यूब पे, बड़ा मुश्किल है यार वैसे लोगों को लेके आना। कमर का यार पेटी पेट रहा है। मेरे साथ एक दफा क्या हुआ, मैंने एक दफा पहले एक वीडियो बनाई थी। हाँ। मैं एक शूटिंग कर रहा था, बीच में एक है ना वो उसका रोल कर रही थी फकीर का ना कैरेक्टर कर रही थी लड़की, तो मैंने चलो यार एक वीडियो बना के आते हैं। तो वैसे हम लोग गए सिग्नल में, मैंने एक वीडियो बना दी कि वो लड़की नहीं आती वाइपर से शीशा साफ करते, हम मना भी करें तब भी करते हैं, तो मैंने उसके बनाई क्यों साफ करी, मैं मना कर रहा हूँ मान नहीं रही, फिर मैं खुद बाली निकाल कर फेस से मारता हूँ और टिश्यू कर देता हूँ। ये मैंने बना दी उसकी वीडियो और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट की, लेकिन फिर जो उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आए, अबे तू अपनी बहन के साथ भी देख लेगा, मैंने तो कुछ समझ तो फाड़ दिया वो सारा, ऐसा ही है, मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद वही सेम काफ़ी BTS वालों बच्चों ने बनाया उसी तरह का, काफ़ी लोगों ने बनाया इतवाद ये कि जैसे आइडिया आ जाते हैं लोगों को। हाँ। लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया कमेंट, लेकिन अब मैं सुना है कि काफी बंदे को तेज बनना पड़ता है। बुलेट प्रूफ बेगैरत, आपको फील ही ना हो, एक बार मुकरर कर बुलेट प्रूफ बेगैरत बन जाए और कमेंट पढ़ना ही छोड़ दे आप। सीरियसली पोस्ट एंड घोस्ट, यानी पोस्ट करें और आप घोस्ट बनाए बजे, खली वली कर नहीं, पहले से ही वो आभार कर दे, दूसरे तक भी क्यों है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डिफरेंट है जैसे अलग अलग लोगों का होता, तो ये आपका इनबिल्ट था या यूट्यूब के लिए पैदा किया गया? नहीं नहीं, पैदा तो सिर्फ बच्चे किए जा सकते हैं, बाकी चीजें तो अल्लाह की देर होती है। तो बस ये इसी तरह का सिलसिला हमारी ना फैमिली, माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं। अच्छा। उस जमाने में इंटरनेट नहीं होता था। अच्छा। बच्चे ही होते थे तो वो घर में एक रश वाला माहौल लगा ही रहता था हर वक्त ना, तो कभी 3 इधर हो गए तो 3 उधर हो गए, इस तरह करके हम टीवी बांट के, तो मजाक मस्ती का सिलसिला घर से ही शुरू हुआ और फिर वो मोहल्ले तक और स्कूल तक। ये अम्मा अब्बा से मिलता है जीन्स में, जैसे इनके अब्बा से मिला इनके दोनों, वाले बेटी थे, अम्मी तो हंस रही होती थी मेरी तरह। अक्सर हेयर स्टाइल भी माँ बाप से ही मिलता है, या चाचा वाचा से। आपका हेयर स्टाइल किससे? दोनों चीजों के बारे में, दोनों चीजें मामू से मिली। और ये वो मामू तो नहीं सऊदी में रहते होते? नहीं नहीं, ये वाले इधर ही थे, कुछ दोस्तों ने मामू सऊदी में भेजा है, सऊदी से भेजा है। वैसे आपकी जो है, मैंने देखा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, वैसे जनरल बात की जाए तो बड़ी एक सोबर सीरियस सही है, और आप जब उसमें आप उतरते हैं आप जब कैमरा के आगे तो आप, लेकिन बातें ना ये हमेशा सच्ची सच्ची करते हैं, जैसे इलाके के बारे में चीज़ों में, मेरा वो बड़ा फनी मैंने देखा था आपका, कि आपने वो उसमें रोड का दिखाया था, 2 रोड अब यही यूरोप का, लंडन था क्या? हाँ लंडन ही था, टर्की था, लंडन था, लंडन में ये रोड इधर जा रहा है, ये सेम एग्जैक्ट रोड जो है ना पाकिस्तान में भी है। मैं वहां गया तो मुझे लगा पहले नहीं बिल्कुल वही रोड, क्योंकि मैं डीजे कॉलेज से पढ़ा हूँ और बंसफोर्ड वो घर के करीब भी था, तो मैं सारी जिंदगी वो फ्रेस्को वाली चौरंगी में ना, तो मैं उसको बड़ा गौर से देखता था, बिल्डिंग्स को, पुरानी बिल्डिंग्स को, सड़कों को। मैं वहां ट्रफाल्गर स्क्वायर के, मैंने अरे तो वही डिजाइन है, सेम सीरियसली, फिर मैंने वही वीडियो बनाई और फिर यू नो कंपैरिजन दिया, यार देखो वही चीज है। जब इस तरह की बातें हो ही नहीं है बाहर मिलती, तो मैं भी एक तुर्की का वाक्य बता दूं, थोड़ा भी फ्लेक्स फ्लेक्स कर ले, मैं भी बाहर गया हूं। तो हुआ ये मेरे साथ भाई, मैं वहां पे एक होटल में रुका, मैं जैसे ही खोला ना सर्की की खिड़की तो नीचे लग रहा था हैदराबाद है, छोटी सी गली आई वो। अच्छा लेकिन इतनी सी गली थी, दो गाड़ी आराम से आ रही है और जा रही है, वो कुछ भी नहीं है तू जा। हमारे यहाँ तो एक आदमी बिल्कुल यहाँ गाड़ी चलाती ना और कहता तू।
कुछ भी नहीं करता बस बैठा है। अच्छा एक चीज जो नहीं मिलती ना वो ये कि हमने जिंदगी में देखिए तो अलार्म तो हमारे फोन के साथ ही है ना, वरना अलार्म तो नहीं चमाट ही होता था कि उठो स्कूल जा रहे। तो फिर जब वो स्कूल की इससे निकले तो फिर हमारा अलार्म क्या था, कबाड़ी वाला, कान छेदने वाला, नाक छेदने वाला, ये हमारे अलार्म, तीन डब्बे वाले, तो ये अलार्म थे। ये चीजें नहीं मिलती उन गलियों में, वो मुमासला जरूर मिलती है हैदराबाद। हाँ असल में वो क्यों मिलती है, मुवासलत, सैटेलाइट जो भी मिलती है तो उसकी बेसिक रीजन क्या है, वो लोग यहाँ पर आके अपना काम करके गए बेचारे ना, जब गोरे आए थे तो यहाँ पे जब उन्होंने कब्जा किया तो सारी चीजें बना गए, वरना आज भी हम झाड़ियों में जा रहे होते अपने सुभाजी नाम के। वो तो शुक्र है ये सारा सिस्टम बना रहे, वही बाथरूम ऐसा होता है। तो अब हमारे यहाँ कुछ लोगों ने बहुत अमीर हो गए हैं, वो गोल्ड के भी बना लिए उन्होंने। मैंने देखा था शो आपका, एक पूरा शो नहीं वो जो हुरम सुल्तान भी किया था ना। नहीं, ये क्या नाम था सुल्तान, ये अर्तुगरुल वाली, अर्तुगरुल वाली, हलीमा, तुम देखा वो? असल में लोगों को ना वो फिक्शन और रियलिटी का फर्क नहीं मालूम। अगर कोई किसी का इस तरह का रोल है कि वो मुस्लिम दिखाई, आप जिंदगी में शायद उस तरह की ना हो, मगर लोग कहते नहीं तो भाई तू वही है, मेरे भाई कैरेक्टर था यार। अब लोग आप तीनों को देखिए बोलते हो नादानी है, चादरा बजा रहा है भाई, वो एक टीवी का कैरेक्टर है। मैं हर वक्त ये चिचोरा पर हर वक्त घर में नहीं करते। पढ़ाई में कैसे था तुम्हें? पढ़ाई में मैं अच्छा था और पढ़ाई में बड़ा, लेकिन देखिए शरारतें भी चलती थी साथ। अचानक खामोश छह बच्चे होते हैं तो कहते थे खामोश हो गए, जब छह बच्चे होते तो इतने सारे बेचारे अम्मा अब्बा किसको पढ़ाएं। हां नहीं नहीं अब्बा अब्बा तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी पढ़ाने। गरीब आदमी यार, नाम सड़क पे पड़े हुए थे नाम ले रहा, मतलब ऐसा नहीं है सर। और आपने भी कराए, हम लोग लाड़काने की रेशम गली में रहते थे, पढ़ा तो पढ़ा रहे मां बाप हमें मंच रोड से होमवर्क वगैरह कर लेते थे। हम बड़े वो थे, हम अच्छी तरह खुद ही किताबें निकाल के पढ़ना और उसको किताबें, लेकिन छह बच्चे ज्यादा नहीं होते थे, होते थे। हम लोग भी पांच बहन भाई थे और उस दौर में तो पांच पांच छह छह बच्चे तो हुआ करते। इनकी खुद खालाएं नौ है, नौ खालाएं सीरियसली, हर मुझे आज तक नाम याद नहीं किसी, प्राउड ऑफ माय खालास। उसमें से एक बेबी खाला जरूर होगी, बेबी नहीं है कोई, नहीं है सॉरी बेबी नहीं, अरे मॉडर्न खाला है। असल में हमारे बच्चे ऐसे होते ना भाई, वलीमे बैठे हो, नानी कब बना रहे हो, अरे भाई अभी तो वलीमा होने तो दे, जरा ठीक है हो जाएगा, अच्छा पहला आ गया, इसकी बहन कब आएगी, बहन भी आ गई, चलो अच्छा तीसरा फिर हो गया, मतलब नहीं भी प्लान कर रहे तो हो गया, अगर चौथा ले हो दो दो के सेट हो जाए, मतलब कब होते चाइना के भाई शोकेस में अच्छे लग रहे हैं, पूरा अकेले आ रहे हैं ताकि सबको एक एक मिल जाए, इस तरह पूरा सेट बन जाए। आपके कितने? मेरा एक बेटा है और मेरे तीन स्टेप चिल्ड्रन भी हैं। और तो बेटा जो है मेरा माशाल्लाह ही इज टर्निंग 4 नेक्स्ट मंथ, तो बीवी बच्चे जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं। अच्छा। और मैं बस ये के चलते आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, वो भी आते जाते रहते हैं, मैं भी आता जाता रहता हूँ। तो अच्छा आपकी असल पर्सनैलिटी जो है वो इतनी देसी नहीं है, ठीक है जी, लेकिन आप टीवी पे या अपने यूट्यूब पे इस तरह दिखाते हैं कि उसकी खास ऑडियंस की वजह से? नहीं नहीं, मैं आप हैं असल में, मैं वही हूँ, बट वो मौके की मुनासिबत से वो रूप ढालना पड़ता है, तो और लोगों को पसंद भी वही चीज है, जरा नेचुरल फ्लेवर, तो मैं उसी टोनालिटी में रखता हूँ। तो पहले तो मैं स्टैंड अप करता था, मैं अंग्रेजी में करता था। अच्छा। तो फिर अंदाजा हुआ कि यार वो फिर मैं मखसूस इलाकों में ही महदूद रहूंगा, तो बेहतर है कि आप इसको जितना लोकलाइज करो उतनी आपकी जो है ना, आपकी उर्दू भी अच्छी है। बचपन मेरा रेशम गली लाड़का नहीं, कराची में गुजरा है, कराची में ही गुजरा है। और मैं असल में रेशम गली नहीं, लाड़काना में भी है, वहाँ भी है। मेरा जो है उर्दू की आपने बात करी थी ना, मैं अखबार बहुत पढ़ता था। अच्छा। अखबार और अखबारें जहाँ तीन औरतें तीन कहानियां, नेट बीतियां, शुआ पाकिजा सब पढ़ता था मैं। आगे की तालीम इंग्लैंड से हासिल की? नहीं नहीं नहीं, तालीम मेरी सारी इधर ही रही, इंग्लैंड तो शादी के बाद फिर पीआर भी है, नहीं मैं विजिट वीजे पे जाता हूँ, ना 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 ये सवाल ही ना उठे, मैंने कभी ली नहीं पीआर, प्यार कर लिया पीआर नहीं ली मैं। रिस्क कैसे लिए तो हवाई, हवाई से भी हवाई रोजी है। मुझे ना यकीन नहीं आता
मैं बड़े मुझे मुश्किल से यकीन दिलाया जाता है कि यही चीज़ें अच्छी हो गई हैं आपकी, आप फिक्र ना करें। तो मैं जब वीडियोस बनाता था उस वक्त मैं दुबई में नौकरी करता था, तो मुझे बहुत लोग कहते थे कि आप बहुत मशहूर हो गए हो, तो आप ज़रा इसको सीरियसली लें और इसको आप प्रोफेशनली टेकअप करें। तो फिर मैं एक दो साल तो मैंने बिलीव ही नहीं किया ना इस चीज़ को। फिर मुझे एक इवेंट के लिए बुलाया गया यहाँ कारसास पे, जो है बेरी ऑडिटोरियम, तो वहाँ कोई स्पीच वगैरह देनी थी। मैं आज ठीक आ जाऊँगा, तो मैं आया, मैं करीम में गया, वो छोटी सी, अच्छा वहाँ रेड कारपेट बिछा हुआ था और बाकायदा वो नो नेवी वाले खड़े हुए थे। अब मेला पता नहीं कोई होगा वीआईपी के लिए खड़े होंगे, मैं उतरा तो मैं ही वीआईपी था। ये इतने सी बच्चे मेरे, तो वहाँ लोग भाई शोर मचा रहे, तस्वीरें खींच रहे, नेवी वाले रस्सी पकड़ने के लिए टूट ना जाए। मैं वहाँ वेयर हाउस में नौकरी करता था, वो पाइप पहुँच गए या नहीं पहुँचे ये कर रहा होता था मैं। तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा सीन है, बस मैं जाती मैंने रिजाइन किया। फिर मुझे यकीन आया कि हाँ ये हो गया। और फिर उसके बाद तो अब इतना मशहूर है कि पता नहीं आपकी कितनी जायदादें हैं और इतना कमाते हैं, ये वो इतना मशहूर किया है, आपका कोई बंगला भी दिखा दिया है शायद। कौन सा बंगला? मैं तो फ्लैट में रहता हूं। नहीं भाई, बंगले वाली पार्टी। हाँ हाँ, मन्नत के बराबर जन्नत, जन्नत जन्नत है मेरी। नहीं नहीं, बंगले से अब ज्यादातर, आप तो दुबई से आ गए, लेकिन अब ज्यादातर यूट्यूबर्स जो है वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं ताकि वहां पे एक चैन की जिंदगी गुजारे। किसी को कुछ भी कहो, कोई कहने वाला नहीं, नहीं कहता ना। हाँ ना, मतलब कुछ कहने वाले गेस्ट जी, सॉरी यार, आपसे बातें होती नहीं। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे बड़े मसले हैं, वहाँ आप कैमरा ले लीजिए। ये देखिए, जितनी लिबर्टी पाकिस्तान में ना, ये कहीं पे भी नहीं मिलती। कैमरा लेके कहीं पहुंच जाओ, मां सवाई डीएचए के, वो आ जाती है गाड़ी। वरना हम तो खुल्ला डुल्ला शूट करते हैं। दुबई में आप ये फोन आप कहीं भी यूज कर ले, वो मसला नहीं है। जहाँ आपका कैमरा आया, पुलिस फौरन आ जाती है। अंदर चल के बात करते हैं, कुछ खिलाएं पिलाएं भी ना। हां, मक्खियां भी बैठ रही हैं सबके ऊपर। मीठा बहुत हूं ना मैं। वो वाला नहीं भाई, वो वाला नहीं, स्वीट आदमी। अभी हम अंदर जाके सवाल का जो सवाल अभी करता हूं, जवाब अंदर दीजिए। गंजी स्वैग के असल में भाई वही आप कमेंट्स वाली बात कर रहे थे ना, तो वो आप कोई भी बात करो ना, वो सब ठीक है, तो तू गंजा। लोग समझते हैं ये इंसल्ट है, ये तो नॉलेज है, तो मुझे पता है। हाँ, इसमें ऐसी कोई बात क्या है, तो हाँ ये तो फैक्ट है। आपको उसी चीज से छेड़ से जिससे आप छेड़े। आईडी फॉर द चिकना, ये है क्या भाई? मैं क्लास पूछ के थोड़ा कोट वोट पहन के आया, निरा से डर लगता है, मायू करा देती है। आजकल मुझे लगता है लोग शादियां कर ही इसलिए रहे हैं कि मैं वायरल हो जाऊं, कि मेरा डांस वायरल हो जाए। हर किसी की कोशिश है कि वो दिल के गुब्बारे वाला सीन हो जाए। और पाकिस्तान में इससे को बस वायरल के डांस, अरे गुब्बारे के पुकारे वाले केरी को दिल गुब्बारे। अच्छा, अब रियल लाइफ में भी वही है। मेन मेन फैक्ट है यार, बीम निकाल निकाल के। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आजकल यूट्यूब पे इतने ज्यादा जा रहे हैं, हर बच्चा, रिक्शे वाला, हर बंदा बना रहा है, जब लोग पैसे तो ज्यादा कमा रहे हैं यूट्यूब वगैरह से, हाँ, तो लोग पढ़ाई अब अपनी कम कर दी है और यूट्यूब ज्यादा, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला लोगों को लगता है पैसा है। क्योंकि बाहर तो लोग साइंटिस्ट भी हैं, लोग ईजाद करते हैं, चीजें बनाते हैं, उनका फोकस ही कुछ और है। तो ये इसमें ज्यादा रोशन ना हर बच्चा अगर असल में ऑब्वियस, आपने सही बात की कि सबका मसला पैसा है, हमारे मुल्क में गुरबत ज़्यादा है। और जाहिर है लोग अगर इसको देखें ना कि यार मैं कोई फ्रेंच फ्राइज की दुकान लगाऊं और वो बंदे 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 मैं लॉर्ड बनूं, उसमें 30-40 साल लग जाएंगे। यहाँ पे ना आपको अपनी मेहनत का सिला आपको नहीं मिलता, बच्चे खा जाते हैं, वहाँ तक मिलता है। तो क्विक सक्सेस जो है ना, वो इंटरनेट ही आपको इंश्योर करता है। अब इंटरनेट पे मिसालें ऐसी आ गई हैं कि लोग कुछ भी करने को तैयार है, बस मैं मशहूर हो जाऊँ, किसी तरह वायरल हो जाऊँ, मुझे ब्रांड डील्स मिलना शुरू हो, मुझे मोनेटाइजेशन हो जाए। अब उसमें लोग आड़ू मुंह में रखे हैं, दौड़ा भी मार रहे हैं, हर किस्म का काम कि बस किसी तरह में कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। तो आप अगर टिकटॉक के दारू लोगों मत फ्रेर हॉल जाएं, संडे संडे की शाम 4 बजे आप जाएंगे, सीरियसली पास लगा के जाएं, और आप देखें। देखिए, मैं इनकरेज करता हूँ, मुझे किसी ना कोई इनसिक्योरिटी है, ना जेलसी है, सबको अल्लाह उसके नसीब का देता है। मैं तो इनकरेज करता हूँ ज्यादा से लोग आए इस इंडस्ट्री में, नहीं जाए नहीं आए, यानी कि फिर और जाए, लेकिन जगह तो चेंज कर ले। मगर ये कि मतलब ये नहीं कि आप बस बचपन से ही बच्चों को आप उस तरह लगा रहे हैं। देखिए, ये इसकी बड़ी टॉक्सिसिटी भी है। आप खुद बता रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, आपको ऐसे ऐसे कमेंट आए, आप डर गए, राइट? और आप माशाल्लाह मतलब इतने अरसे से इंडस्ट्री में, क्रिटिसिज्म हर किस्म का फेस किया होगा। तो छोटे छोटे बच्चे को जब आप एक्सपोज करेंगे इस दुनिया में, जहाँ हर किस्म का फिर कॉमेंट आता है, आपको तो अंदाजा हो गई
तो ये अगर अगर इसके पॉजिटिव बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मैं इनकरेज करता हूँ, लोग अपने हालात बदले, अच्छा काम करके आ गए हैं, लेकिन इसके भी नेगेटिव भी उतने ज्यादा हैं, लोग रियलाइज नहीं करते। तो क्विक शॉर्ट टू सक्सेस के चक्कर में आप वहां जाए, किसी भी पार्क चले जाए, आप लाहौर में चले जाए, इस्लामाबाद में F9 पार्क चले जाए, पूरा पिंडी वहां उमड़ उमड़ रहा होता है, यूट्यूब सब कंटेंट निकल रहा होता है, अच्छा प्रैंक हो रहा होता है, 800 लोग खड़े दिख रहे हैं, ये कौन सा प्रैंक है जो 800 लोग देख रहे हैं, बस उन्होंने वो अपना स्क्रीन में जो एरिया होता है वो लाइन अच्छी बोल दी, क्या फरार कौन सा दारुल दारुल को दारुल और दारुल खिलाफा आराम बाग अरे भाई बनते मोबाइल उल्टा करके बनाते हैं वीडियो, ये क्या गेम है, देखा कभी जो वीडियो बना रहे यूं बनाते हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं आते ना, बात तो वही है, यूं हो या यूं हो, क्या साइंस है, ये अक्सर जो इंस्टाग्रामर होती है ना लड़कियां, मैंने उनको ये करते हुए देखा है कि पिक्चर भी उल्टी लेती है और वो वीडियो भी कहती है कि यू करें, पता नहीं इसका रेजोल्यूशन का कोई फर्क है क्या है, नहीं क्या यार मुझे नहीं समझ, मैंने कमरे में बैठ के बैठा देखो है क्या सीन, ये उल्टा किया वीडियो बनाई पूरी दुनिया आ गई, फिर मैं देख रहा हूँ क्या यार दोनों में, एक तो ये होता है, दूसरा होता है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं गए यार ये अच्छा लग रहा है मैं जरा सी तस्वीर खींचू और एक फ्रंट खुला हुआ था एकदम अल्ताफ हुसैन सामने आया था, ये क्या आ गया कैमरा दो खिंचाओ, तो वो जो झटका होता है बड़ा जान ले झटका, इतना सारा मुंह आ गया। यूट्यूब के अलावा आपकी क्या हॉबीज है? इसी से इतनी खास फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ट्रैवलिंग ज्यादा करूं, अच्छा, क्योंकि वो जरा आपका मेंटल लेवल भी अच्छा रहता है। मैं भी 4 दिन इस्लामाबाद रहा और मैंने इस बार गाड़ी रेंट की, अच्छा, कि यार मैं इस बार चलाऊंगा, नॉर्मली दोस्त वहां फिर आ रहे होते हैं, तो मैंने 4 दिन में ना कोई हॉर्न बजाया ना कोई गाली दी, तो मैं एक अलग लेवल ऑफ पीस में था, उसके बाद मैं यहाँ आया तो अल्लाह मेरा दिमाग खराब हो गया, ईसीजी कराई रात को आप कराची में ना एक्टिविटी बहुत है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जा रहे कोई रिक्शा होता है ये रिक्शा चला रहा है, बाइक करी चल रहा है, लेट के बाइक चल रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसको कहते हैं मछली बनने जाते हैं, कुछ नहीं तो गाड़ी के पीछे किसी के निकले सली बनी पूरा तारुफ शजरा लिखा होता है, मैं क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन का, बाबा नंबर 1 नंबर 2 कौन है, नंबर 2 कौन आया था, कौन सी रेस हुई है, ये बाबा नंबर 1 सारे नंबर 1 और सारे यूं लिखे होते हैं। कैसे आप ठीक हो? चलो अब जाओ अब जाओ हम बात करेंगे आपसे इंटरव्यू, कुछ खा ले आया था, खाना लो खाओगे, ये लो क्या खाओगे, अच्छा चलो अच्छे माँ बाप आप लोग, हम जब छोटे थे तो हमें भूल भी दिया जाता था, कहते थे मेहमान आए हुए ना, यूँ मेहमान के जाने के बाद जो हिस्से होते थे ये मेरा हाँ नमक पारे बीच में गायब हो जाते थे, रास्ते में चोरी, कोल्ड ड्रिंक में जो है ज्यादा बर्फ डाल के लाते थे ताकि कोल्ड ड्रिंक बचे, अब तो ये के बच्चे बच्चे होते शरारती, नहीं नहीं शरारती था, बहुत पिटते थे हम, माशाल्लाह अम्मा ने पीटा दादा या अब्बा ने, अम्मी ने ज्यादा पीटा, अबू की एक ही पिटाई ना वो 3 साल चलती थी, जैसे वो नोकिया का चार्जर है एक हफ्ते चलता है, अम्मी वाली तो रोज चार्ज करनी पड़ती, रोज पिटते थे वो, तो हमारा एक पाइप था असल में वो फिटिंग पुराने जमाने की थी, तो नलका इधर था वॉशिंग मशीन ही आती है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक पाइप था, अच्छा वो हफ्ते में एक बार वहां यूज होता था, छेद नहीं आ गया, नीले कलर का था, आज तक याद है उसका टेक्सचर मुझे अभी तक याद है, पढ़ता था तो क्या आवाज आती है, अच्छा पहली तो बताओ आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे मेरे 1.12 मिलियन है, फेसबुक पे 2.2 मिलियन है, कुल मिला के 4 मिलियन हो जाते हैं। ऐसी कौन सी वीडियो थी जो एकदम आप तुरंत स्टार बना दिया उसने? जैसे उसकी तो होती ना बक बढ़ती है जज्बा। हाँ। आपकी क्या थी ऐसी? एक मैंने 2000 जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैं लड़की बना था। वो बहुत वायरल हुई थी। मगर उसमें मुझे लगा कि ये तो काम नहीं होता। काम तो डॉक्टर इंजीनियर ये काम होता है। Exactly। तो मैं कट गया फिर यूट्यूब से। बार बार आपने यूट्यूब छोड़ा तो कभी होता ना कि बहन भाई या कोई करीबी लोग होते हैं कि यार ये क्या करो, पढ़ाई की है, ये जाया करो। नहीं नहीं वो किसी ने आपको इस तरह वो किया है? बहुत हाँ, बहुत बहुत ज्यादा लोग करते थे, और खास तौर पर जो मैं आखिरी जॉब जब छोड़ के यही करने जा रहा था तो बहुत लोगों ने डराया। अब आई अंडरस्टैंड वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे कि यार अगेन हवाई रोजी है, नहीं चले, अल्लाह अल्लाह करके नौकरी लगी है,
देख लो, रिस्क ना लो, लगी लगाई रोजी पे लात ना मारो इस तरह। लेकिन आप अपने आप उसके लिए बेटर उसके लिए जा रहे होते हैं ना, बेटरमेंट के लिए। तो डिस्करेज मैं नहीं कहूंगा, इन तबाह जरूर की थी। पता नहीं मैं यहाँ के उर्दू क्यों बोल रहा हूँ, सिंधी फैमिली है, उर्दू बोले जा रहा हूँ मैं। ये हमें तंग कर रहे हैं, ऊपर से आ रहा हूँ मैं, ऊपर से आ रहा हूँ, मासलत हो रही है। तो हाँ, वार्न जरूर करते कि यार देख लेना भाई, संभाल लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता इससे भी पीछे आ जाओ। तो ये जरूर था, डिस्करेज तो खैर नहीं किया, अब माशाल्लाह सब एंजॉय करते हैं। हाँ, हाँ, फिक्स है, लगी हुई है, हाँ, चल रहा है, उसको छोड़ के शिफ्ट मारना आसान नहीं होता। मगर ये कि फैमिली से छुपाया, चाहिए फैमिली से छुपाया इसलिए क्योंकि हमारी फैमिली में कोई परफॉर्मेंस आर्ट्स में कोई है नहीं, सारे नौकरी पेशा लोग हैं, और फिर वो जरा शर्मा शर्मी वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा था। तो फिर वो वाली फैमिली के, अच्छा ये कर दो, करके दो, पोयम सुनाओ, पोयम। अरे नहीं सुनानी पोयम मैंने यार, वो ना कि ये ना हो कि सबके सामने कराना पड़े। तो मैं अच्छा वही जो किया था यूट्यूब पे याद ही करो। हाँ, तो उस चीज से मैं घबराता था। अच्छा, तो खैर मैं ना जानबूझ के चाहता था कि मेरी वीडियो मशहूर हो, इतनी ना हो कि अम्मी तक आ जाए। लेकिन वो आ गई, अब तो आ गई। किसी के बच्चे ने फोन करके, अरे आपका बेटा तो ये करता है यूट्यूब पे, मेरी क्या करता है, अच्छा लड़की बना हुआ है। तो हाँ, उसकी बड़ी फनी स्टोरी थी, वो विग, उसके लिए विग चाहिए थी। हाँ। मेरे बाल ना उस वक्त जा रहे थे, जा कि अच्छा साहब चलता हूँ मैं, वो वाली स्टेज आ गई थी। तो मैं वो विग लेने गया उधर बोरी बाजार सदर में, तो मैं ला भाई विग चाहिए, तो उसने मर्दों की निकाली कि शायद अपने लिए, मैं ला ये नहीं, वो लेडीज कह रहे हो अब ये समझ नहीं आ रहा, अब ये जज कर रहा है, ये बड़ी फिगर होती ना, ये क्या सोच रहा है। मैं जिंदगी में कभी जाना नहीं विग वाले के पास, मगर मुझे अब टेंशन है ये क्या सोच रहा है। तो मैं अब कवर करना है मैंने, तो मैंने मैंने उसको बोला कि नहीं वो असल में मैं एक्टर हूँ। कह रहा है वो भी एक्टर ही होते हैं, सिग्नल पे खड़े एक्टिंग करते हैं। तो ये बड़े चैलेंजेस, छुप छुपा के फिर हमने इस तरह बनाई वीडियो। और शादी उसके बाद हुई यूट्यूब वगैरह? हाँ, उसके बाद हुई, उसके बाद एस्टेब्लिश होने के बाद। कभी जैसे किसी की शादी में जाते हैं ना, अक्सर जैसे होते हैं सेलिब्रिटी होते हैं, तो फिर वो कहते हैं अच्छा आप भी परफॉर्म करें, तो आपसे कोई परफॉर्मेंस करवाते हैं? स्टैंड अप तो करते हो? स्टैंड अप शादी वगैरह पे मैं जरा अवॉइड ही करता हूँ। नहीं, अपने रिश्तेदारों की? ना, सवाल ही नहीं। वो उनको लगता है मैं बड़ा अनअप्रोचेबल हूँ, और मैं चाहता हूँ वो ऐसे ही समझे। ये तो बड़ा महंगा है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। थैंक यू, बहुत मजा आया। थैंक यू। और हम साथ काम करेंगे फिल्म में, और मैंने सोचा हुआ था कि ये ऑडिशन चल रहा था मेरा। ऑडिशन नहीं, मुझे मैंने सोचा आप करेंगे एक्टिंग। मैंने की हुई है, दो फिल्मों में मैंने की हुई है एक्टिंग। मुझे ना अपने मैं अपने आप को ना स्क्रीन पे नहीं देख पाता, बड़ी आयरोनिक सी बात है। मैं अपनी वीडियोस नहीं देखता, मुझे देखे नहीं आती। मैं टीम को कहता हूं तुम देख के बता दो सही है कि नहीं है। अच्छा, तो मुझे अपनी आवाज बड़ी अजीब सी लगती है, आवाज ये बोलने का स्टाइल मुझे क्या है। तो शुरू से फैन हूं मैं अपनी फिल्म से, खुद ही उठ के घर आ गया था, पूरी नहीं देखी। कौन सी फिल्म? घबराना नहीं खुद घबरा, खुद घबरा गया मैं। चार में से दो सीन आ गए थे, मेरा यार हिम्मत नहीं हो रही, शर्म आ रही है, उन्होंने चला गया। उसमें आप क्या न्यूज रिपोर्टर बने? मैं बिल्कुल न्यूज रिपोर्टर। मैंने देखी है। हां, जाहिर अहमद का दोस्त होता हूं मैं। नहीं, हम करेंगे साहब, अच्छा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे इंशाल्लाह, जरूर। तो ये बताइए, जो यूट्यूबर्स होते हैं जैसे आप, थैंक यू कर रहे यार। हाँ, आप यूट्यूब करते हैं तो आपको फिर वो होता है कि यार फिल्म भी करें, ये भी करें, ड्रामे भी करें, या यार इससे अर्निंग अच्छी आ रही है? मैं चाहता हूँ कि यूट्यूबिंग का लेवल उस तरह चला जाए, क्योंकि अब सब डिजिटल की तरफ आ रहा है। टीवी भी आप देखें डिजिटल सेंट्रिक होता जा रहा है, ड्रामे हमारे सारे यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ यूट्यूबिंग का मैार उस लेवल का हो जाए कि वो उसको कम्पीट करे। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि नीचा दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये भी इंडस्ट्री ऊपर लेवल पे है। यूट्यूब का अक्सर लोग वो थोड़ा सा नॉन सीरियस, हाँ बच्चे हैं ये तो, कल के बच्चे हैं क्या ब्लॉगिंग। और जब ये लोग बताते हैं यार हम इतने पैसे कमा रहे हैं, तो लोगों को यकीन भी नहीं आता। हाँ। हमें छोड़ो यार क्या कमा रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहे हैं ये, बात नहीं पैसे भी कमाते हैं और लोग हैं। हाँ हाँ, आगे जबकि और अच्छा भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश ये कि मैं वेब सीरीज बनाऊ, कोई क्राइम रिलेटेड कोई चीज बनाओ, कोई जीआईडी फांसी होगी, फांसी हमारे वाले गेट नहीं टूटेंगे, हमारे तो सब गेट है। नहीं, थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत अच्छा है यार। नहीं यार, मैं फिर क्या, उनको जाना भी था, मुझे पहले बहुत सही है। स्टार साइड क्या है, वो थी ना पुराने जमाने वाली लड़कियां स्लैम बुक्स में लिखती थी, वो फेवरेट कलर। अबे यार मैं क्या मकसद के लिए आप फेवरेट कलर, बड़े लंबे रूट्स आती थी।
घूम के नहीं आए टॉपिक में घूम के ना फेवरेट कलर फेवरेट अच्छा पर्पल पर्पल क्यों मजेंटा नहीं पसंद है अरे मजेंटा क्या होता है यार बेसिक कलर ही आता है इसी में खेल फेवरेट कलर कैसे हो सकता है यार मतलब जो चीज चाहिए वो पहन लेंगे ये स्टार की बात होगी कैंसर मैंने बोला कतरीना और अपनी ब्यूटी में फर्क देख लो अस्तगफुरुल्लाह नहीं होता मुझे अगला मीम कब फेंक रही है मार्केट में इस बात में बैठेंगे मेहमान नवाजी देखे हमने कोई कसर नहीं छोड़ी सैंडविच भी है फ्रूट भी है कीवी भी है ब्रेड भी है और फूल भी रखा है हमने अंगूर और पानी नहीं है और गाजर भी छिली भी रखी है देखे ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई कह नहीं सकता कि यार वो नहीं है सब आ गया एवरीथिंग इसको थोड़ा जोर से हिलाओ बिरयानी बन जाएगी यस भाई बहुत शुक्रिया जो थैंक यू सो मच बहुत नहीं नहीं आप मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह नहीं नहीं हम चाहेंगे और इस रिकॉर्डिंग वैसे भी हम वो शो लगाते हैं वैसे आ जाएगा रिकॉर्डिंग होता है हम आ जाएंगे आप आ जाएं जरूर बहुत मजा आया हमारे मेहमान है हमने वो नहीं रखा और हम मेहमान को बिठाने वाले खड़े खड़े बात करो दस्ती बात करो जिंदगी ओके थैंक यू बीच में तीन दफा हमने थैंक यू भी बोला लेकिन मेहमान समझ ही नहीं रहा जाना है बाय बाय।